की बीच नगरिया में और कीमत हुई रही बजरिया सबकी बराबर है। बच्चे की कीमत 20 भार, औरत की कीमत 20 भार, जवान की कीमत 20 भार। आ जाओ। अरे काशी की जनगरिया तो देखो भाइयों, जब तीनों प्राणी बिकने लगे हैं तो सबसे पहले काशी में कौन आया? एक काशी की वेश्या, धंधा करने वाली। उसने देखा कि स्त्री बिकने आई है और अगर स्त्री को हमने खरीद लिया तो हमारा रोजगार बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन काशी के लोग आवाज लगाने लगे, भैया इस औरत को एक वेश्या खरीदेगी, वेश्या। सितारा की आंखों से आंसू छलक पड़े कि मेरी इज्जत काशी में एक वेश्या के हाथ में जाएगी, नहीं मर जाऊंगी, लेकिन वेश्या के हाथ में नहीं बिकूंगी। विश्वामित्र से हाथ जोड़ के बोली है, स्वामी जी मैं तुम्हारी पुत्री के समान हूं, लेकिन मेरी इज्जत को एक वेश्या के हाथ में। भाइयों, आज वेश्या तो वहां से लौट जाती है तो कालू नाम का मेहतर आया है। और कालू मेहतर ने हरिशन को देखा है, घट्टा कट्टा जवान है, कीमत पूछी है तो 20 भार सोना विश्वामित्र ने बताया। तो उस कालू मेहतर ने 20 भार सोने में हरिशन को खरीद लिया है। अब राजा सोच रहे कि मैं तो बिक गया, लेकिन धर्म भी बचाना है, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र भी रह गया है, ये भी बिक जाए। भाइयों, आज वो मैया तारा खड़ी खड़ी सुबह से लेकर के शाम हो गई, कोई नहीं खरीदने वाला आया, सूरस्त होने आए। तो एक ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर के और घूमने के लिए निकला है, तो उसने देखा कि एक औरत एक बच्चा बिक रहा है। तो बहनों, कीमत पूछी है स्वामी जी इस बच्चे की और इस स्त्री की कीमत आप हमें बता सकते हो? विश्वामित्र बोले, अगर दोनों को लोगे तो 40 भार, एक को लोगे 20 भार, लेकिन इतना है, इसकी माँ जाएगी और माँ के संग ही इसका पुत्र भी जाएगा। 40 भार सोने में ब्राह्मण ने रोहितास को, रानी तारा को जब खरीदा है, तो देखो पति पत्नी जब अलग हुए और एक पुत्र पिता से जुदा हुआ, तो भक्तों उस समय हरेक की आंखें नम हो गई थी। रोहितास ने भाग करके और पिताजी के पैर पकड़ लिए, पिताजी आप मुझे छोड़ के मत जाएं, मेरी माँ का क्या होगा?
तो चलते समय रोहितदास को अपनी छाती से लगा करके हरिश्चंद्र ने मुख का चुंबन किया है और कहा, बेटा ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो अपनी औलाद को बेचेगा, ऐसा कोई पति नहीं होगा जो अपनी पत्नी को अपने हाथों से बेचेगा। लेकिन तारा, मैं तुझे धर्म के पीछे बेच रहा हूं, तो तारा तू तो धर्म की रक्षा करना और मेरे बच्चे को देखती रहना। और इतनी कहकर के तीनों प्राणियों का जब विषय हुआ है तो तीनों प्राणी सोच रहे हैं, अरे कौन किए ही पाप किस्मती परमात्मा, एक दुनिया क्या खेल तुमने रच दिया, बेटा रो रहा है, राजा हरिश्चंद्र रो रहे हैं। तो भाइयों, ब्राह्मणी के घर में रानी तारा जब पहुंची है तो वो झाड़ू लगाती है, भोजन बनाती है, इन बच्चों को थोड़ा शांत कर दीजिए। और इधर हरिश्चंद्र को लेकर के कालू मेहतर पहुंच गया अपने महलों में और जाकर के बोले हैं, हरिश्चंद्र अब क्या देखते हो, 20 बार सोने में खरीदे हो, झाड़ू उठाओ और काशी की गलियों में झाड़ू लगाओ। देखिए बहनों, एक राजा, जहां राजा के इशारे पर हजारों दास दासियां नाचते थे और आज वो राजा ऐसी मुसीबत का चक्कर आया है। भैया ये पीछे प्रसाद वाले लोग, यहां 60 से कर दो।